हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज ओके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब पढ़ा था अब हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज से आज टॉपिक करेंगे तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस एक लेंस क्या होता है कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि बाउंड होता है टू सरफेसेस से जिसमें एक सरफेस या दोनों ही सरफेस स्फेरिकल होंगे ओके तो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एक जो बेसिकली लेंसेज आर क्लासिफाइड एज कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस एंड सेकेंड वन इज डाइवर्जिंग लेंस ओके नेक्स्ट टॉपिक कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस जो कन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम कहते हैं क्या है कैसे डिफाइन करेंगे अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स सच अलेंस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसिस बल्ज बल्जिंग आउटवर्ड्स हों ओके इट इज थिकर एट द मिडल आप देखेंगे यह सेंटर से क्या है थिक है एज कंपेयर टू द एजेस, एजेस के कंपैरिजन में कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिज लाइट रेज टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस तो जो भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस पर पड़ती है कन्वेक्स लेंस उसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज करता है ओके कन्वेक्स आर एज कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं ओके नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कनकेव और डायवर्जिंग लेंसेज तो आप जैसे देख सकते हैं नीचे डायग्राम में डबल कंकेव लेंस इज बाउंडेड बाई टू फेरिकल सर्फेसिसल सर्फेसिस हैं दे आर कर्वड इनवर्ट अंदर की तरफ को इट इज थिकर एट द एजिस एंड देन एट द मिडल ये एजिस पे ज्यादा थिक होता है देन फ्रॉम द मिडल ओके सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज आउटवर्ड्स सच लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज अ डबल कंकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कंकेव लेंस तो ये जो लाइट रेज हैं उनको डाइवर्ज करते हैं आउटवर्ड्स इसलिए इनको डाइवर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं ठीक है जी पता लग गया हमें लेंस क्या होते हैं कनकेव लेंस क्या है और कन्वेक्स लेंस क्या है ओके नेक्स्ट जो टॉपिक है इज लेंसेस के बारे में कि कन्वेक्स लेंस और अ कनकेव लेंस चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो हैज टू स्फेरिकल सर्फेसिस दोनों में टू स्फेरिकल सर्फेसेस हैं पता है हमें ओके okay. इच ऑफ दीज सर्फेसिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्पीयर अब जो ये दोनों सरफेसेज हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ए सफीयर ओके द सेंटर ऑफ दी स्फियर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस तो इन जो स्फियर जिसके ये दोनों स्फेरिकल सर्फेसिस पार्ट हैं जिस फीयर के उनका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड एज देंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट लेंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई लेटर सी तो आपको पता है ये लेटर सी से डिनोट किया जाता है सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट दैम एज सी वन एंड सी टू तो जैसा आप नीचे दोनों डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस के डायग्राम में भी कनकेव लेंस के डायग्राम में भी सी वन एंड सी टू से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्क्राइब या पॉइंट किया गया है दो क्यों है क्योंकि जो लेंसेज हैं दे आर फॉर्मड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस विच आर दी पोर्शन ऑफ सम डिफरेंट स्फीयर्स एंड देयर सेंटर्स आर मैं सी वन एंड सी टू विच आर अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सेस तो जो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास ऑन करती है कहां से थ्रू दी बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सेस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर तो जो लेंस का सेंटर पॉइंट है दैट इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर विच इज डिनोटेड बाय लेटर ओ ओके आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सभी चीजें जो ऊपर लिखी हैं सभी चीजें पता लग गई ओके okay. नेक्स्ट है हमारा जो मेन पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस तो जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि लाइट की सेवरल रेज है विचार

स लेंस और कंकेव लेंस बोथ हैव दू प्रिंपल फोकस एंड आर द प्रिपल फोकसर द रिशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द लेंस दे कन्वर्च एंड मीट एट ऑन द प्रिंसिपल पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ देंस है जैसा आप देख रहे हैं ठीक है डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंथ इज कॉल्ड इट्स प्रिंस फोकल लेंथ तो ओ और एफ वन या एफ टू के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ देंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर स्मॉल एफ गॉट द पॉइंट नेक्स्ट आ जाएगी प्रिंसिपल फोकस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंकेव लेंस तो आप देख रहे हैं नीचे कनकेव लेंस सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कनकेव लेंस आप देख रहे हैं ठीक है पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट की रेज है वो कनकेव लेंस पर पड़ रही है दीज रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम द लेंस जैसे ही इन रेज की रिफ्रेक्शन होगी इन कनकेव लेंस रिफ्रेक्शन इज आउटवर्ड्स ओके दिज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस तो जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो वट वी फाइंड की दे दीज एक्सटेंडेड डायवर्ज रेज अपीयर टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट एफ वन ठीक है और ऐसा लगता है कि दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट in different directions this point on the principal axis is called the principal focus of the concave lens to j point hota hai, that is called as the principal focus same case for if light rays will come from the right hand side okay then same point f2 will be on the different side and the distance between o and f1 or f2 that will be the फोकल लेंथ ऑफ दी कंकेव लेंस तो ये चीजें आप लोगों ने इस टॉपिक में ध्यान देनी है कि लेंस क्या होते हैं ठीक है वट आर कंकेव लेंस वट आर कन्वेक्स लेंस इसके जो प्रिंसिपल एक्सेस क्या है किसमें रे डाइवर्ज होती हैं किस में रे कन्वर्ज होती हैं है? तो ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है So, this is all in today's lecture. In tomorrow's lecture, we will be discussing the image formation, sign conventions, and ray diagrams in respect of the concave and convex lenses. Till then, do study this and learn it. Thank you.